उन्होंने मेरे किचन पर कब्जा कर लिया और इस सीलिंग पे चढ़ के आज किचन में बेटा क्या हुआ, हम शाम को घूमने चलेंगे। ये देखो बाटी, ये देखो, ये है खाने में तो टेस्टी लगती है पर खुजली बड़ी लेके जाती है। तो हम बैठ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इन दोनों को ये देखो, इन्होंने मेरी किचन पर कब्जा कर लिया और ये स्लिप पे चढ़ के आज किचन में बैठ गए। दोनों को पता नहीं क्या हो गया है और यहाँ मुझे लेट हो रही है इनको लंच बनाना आरिश के लिए, है ना। और ये किचन में से यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है कोई सा भी। तो मैं जल्दी से इनको आरिश को यहाँ से उतारती हूँ, अवान को भी उतारती हूँ और मैं जल्दी से लंच तैयार करती हूँ आरिश का। लंच भी बना रही हूँ मैं आरिश के लिए, आलू वाली सब्जी। ये आलू की डिमांड पर सब्जी बन रही है आलू की। मैंने सोचा था आज आलू के लिए पास्ता बना के ला लूँगी पर आज उसने पास्ता खाने से मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आलू वाली सब्जी खानी। क्या हुआ, आरिश जा रहा है स्कूल, आरिश का टाइम हो गया स्कूल जाने का। और देखो अवान को, ये क्या, बाय करो पापा को, बाय को, ठीक है आरिश, बाय बाय जाओ। बेटा क्या हुआ, हम शाम घूमने चलेंगे। अबान तुम नाश्ता करोगे? अबान लेके गया दस्तरखान बिछाने, दस्तरखान लेके गया है नाश्ते के लिए कि अभी से पता है हम नाश्ता करेंगे, तो दस्तरखान लेके चला गया। अभी चुप हो गया, जब ये आरिश को लेके गए थे अबान इतना रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बहुत मुश्किल से इसे चुप कराया था मैंने। तो इसको भी जाना था साथ में इसलिए ये रो रहा था। अभी ये लेकर आए हैं नाश्ता और आरिश को स्कूल से छोड़ कर आ गए, तो ये हो गया अब चुप। तो ये लेकर आए नाश्ते में पापे। फैन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फैन मैं खाती नहीं हूँ, मैं पापे ही खाती हूँ। क्या करो, इसे अबान को देखो, इसे देखो अबान, पापा उसके अंदर डाला है गरम दूध, बेटा हाथ जल जाएगा। तो इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 11:45 हो चुके हैं, आज का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तो ये हो रहे हैं रेडी आज को स्कूल से लाने के लिए। और मैं यहाँ बना रही हूँ अब दोपहर के खाने के लिए दही फुल्की। टाइम हो रहा है इस टाइम 12:30 और खाना मैंने बना दिया है। और ये अबान देखिए बालकनी में खेल रहा है जाके, और अभी तक ये भी नहीं आए हैं आरिश को लेके। क्या करो बालकनी में, हाँ ये देखो अबान की जो चोट लगी थी उसका निशान देखो, कितनी सारी, काफ़ी चोट लगी थी इसकी, बहुत सारी। जिस टाइम इसकी चोट लगी थी इसका ब्लड भी निकलने लगा था। आ गया स्कूल से, और स्कूल से आते क्या लेकर आए हो तुम आरिश, हैं मेन गेट आपने लगाया तो है, मैंने गेट लगा तो दिया आप। और ये लेकर आए खाने के लिए चीज़, और ये देखो अबान के लिए भी लेकर आए। और आरिश देखो आते ही लग गए आते ही, वो तो मैंने इसके हैंड वॉश भी नहीं करे, वो तो मैंने इससे करवाए ज़बरदस्त। तो मैं आरिश के जल्दी से ना कपड़े चेंज कराती हूँ। आरिश बेटा क्या खा रहे हो, आलू को तो वो आरिश को तो आलू पता नहीं कितने पसंद है। अब हम खा रहे हैं खाना यार, ये सुबह जो मैंने आरिश की आलू की सब्जी बनाई थी ये वो है, ये बच गई थी थोड़ी सी, और ये वो है जो दही फुल्की मैंने बनाई थी। और तो इधर अबान भी खा रहा है खाना। बेटा क्या खाना खा रहे हो अबान, इधर अबान, अबान हाय अबान, ये देखो अबान की, ये देखो अबान की हालत, ये देखो, ये है इसकी हालत, इस तरीके से खाता है खाना, सारे हाथ सान लिए इसने। चलो तो हम भी जल्दी से खाना खाते हैं। आरिश तुम्हारी मैम ने तुम्हें टॉफी दी थी, ये तुमने अच्छा काम किया इसके लिए। अच्छा जी, सब बच्चों को टॉफी मिलती है जब जो अच्छा होमवर्क करता है। अच्छा होमवर्क करता है तो तुम अच्छा होमवर्क क्यों नहीं करते? तुम्हारी मैडम ने देखो तुम्हें स्माइली दी है, देखना तो तुम बढ़िया होमवर्क क्यों नहीं करते हर कॉपी में।
क्या? तो चलो अब यहाँ पे करना स्टार्ट करो। तो मैं आज इसको लेके बैठ गई होमवर्क करवाने के लिए। इस टाइम बज रहे हैं तीन बज चुके हैं, लगभग 5 मिनट बाकी है 3 बजने में। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ साफ सफाई करके। तो अब आरिश को यहाँ पे मैं होमवर्क करवा रही हूँ। और इधर देखना अबान को भी अबान को भी चाहिए थी कॉपी पेंसिल, तो मैंने इसकी आरिश की पुरानी कॉपी और इसे एक पेंसिल दे दी है। मैंने कहा बेटा तुम इसमें काम करो, इसे बिगाड़ो आराम से। चलो कोई बात नहीं, वो तो बेकार है बेटा कॉपी। हाँ। अभी अबान स्कूल थोड़ी ना जाता है। लिखो एक गाना गा लो। हाँ बनाओ। आरिश का आखिर फाइनली होमवर्क हो गया। अल्लाह, आरिश का काम करवाना तो जैसे कोई बड़ी जंग जीतने वाली बात है। अबान लाओ कॉपी लाओ, फट जाएंगी सारी। देखो इसके भी, ये देखो ये भी कुछ गुनगुना रहा है अबान के साथ में। तो मैं जा रही हूँ किचन में, इनको सुनने दो गाने, मुझे इनके साथ तो पकड़ा नहीं है। चलो चलती हूँ। ये सब देख रहे हैं टीवी में गाने, और मैं इधर बनाने आ गई हूँ सिकंजी। गर्मी बहुत हो रही है, सिकंजी पीने का इतना मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने जल्दी जल्दी क्या इतनी देर में आरिश ने होमवर्क किया अपने स्कूल का बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए अबान की हरकत, अबान सो के उठ गया है और अबान के पापा गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए। और इधर देखो अबान गुस्से में क्या कर रहा है, सारा ड्रेसिंग का सामान निकाल के फेंक रहा है। और आरिश सो रहा अभी तक, और अभी बज रहे हैं 6:30। अबान सामान नहीं बिखेरना बेटा, गंदी बात होती है। ये देखो अबान अपनी ये वाली वीडियो देख के इतना ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा इतना खुश होता है अपनी इस वीडियो को देखो, बहुत ही ज्यादा। अबान क्या कर रहे हो? अबान चला रहा छोटी सी ब्लू कार। ये कार ना आरिश की है, और आरिश सो रहा है तो इसलिए अबान इस ब्लू कार से खेल रहा है। और मैंने यहाँ किचन में आ गई हूँ, मैंने रख दिया दूध उबलने के लिए, और किचन का जितना भी काम था वो भी मैंने संगवा दिया। अब देखती हूँ ये बाहर बाजार से क्या लेकर आते हैं बनाने के लिए, फिर मुझे बनाना खाना। तो ये मार्केट से आ गए हैं और लेकर आए हैं अरबी। ये अरबी लेकर आए हैं, तो अब बनाएंगे हम अरबी गोल। चाय बन चुकी है, मैं इनको देने लेकर आती हूँ चाय। ये लो चाय, चाय बन गई है, लो चाय पकड़ो। मैंने अब रूम के अंदर आ चुकी हूँ। ऐसा था, मैंने अरबी छीली, और मुझे अरबी छीलने से ना मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ही ज़्यादा। और इस टाइम मेरे हाथ ना खुजा खुजा के लाल हो चुके हैं, और इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है हाथों में बहुत ही ज़्यादा। और आरिश भी अब सो के उठ गया है, मेरे खुजली हो रही है इसलिए मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। मैं किचन में अभी नहीं जाती, जब मेरे हाथ में खुजली ख़त्म हो जाएगी ना बिल्कुल, फिर जाऊँगी मैं किचन में, आगे किचन में, क्योंकि मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली होती है बहुत ज़्यादा। और अब मेरे हाथों की जाके खुजली कम हुई है, तो मैं वापस किचन में आई हूँ। ये अरबी छीलने के चक्कर में हुई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी खाने में तो टेस्टी लगती है, पर खुजली बड़ी देके जाती है। ये देखना मेरे साथ साथ ये दोनों बैठ के अब सिकंजी पी लो। हाँ पी लो, है ना आरिश, सिकंजी पी रहे हो? साल तो तुमने पी ली है, घूर बचा कह रहे हो कि मुझे नहीं पीनी। चलो ठीक है। तो ये देखिए अरबी गोश्त बन के बिल्कुल हमारे तैयार हो चुके, और मैंने रोटी भी बना ली। इस टाइम मेरा सारा खाना तैयार हो चुका है, बस ये गए हैं फिर से बाहर। ठीक है, तो जैसे ही बाहर से आते हैं फिर हम खाना खाएंगे। तो अब हम बैठ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये रहा हमारा अरबी गोश्त और बिरयानी, अरबी गोश्त। तो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं वरना हमारे अरबी गोश्त ठंडे हो जाएंगे। ट्राई करते हैं। आज कैसे बने अरबी गोश्त? बहुत बढ़िया। आज भी कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बने, अरबी गोश्त अच्छे बने। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं अगली बार जब भी अरबी गोश्त बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मैं जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ।
हालत कैसी थी? हालत हो गई थी खाना खाने में बहुत ही ज्यादा। उसका एक शॉट तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि इसने इसकी हालत का उस टाइम पे इसकी हालत क्या थी। तो ये देखिए आरिश ने यहाँ पे सारे अपने कलर्स फैला दिए हैं और मुझे अब आरिश को सुलाना है क्योंकि सुबह इसको चलो हाथ मुंह धुलवाने हैं। दिखाओ दिखाओ तुम अपनी हालत दिखाओ मुझे। तो मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय 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 तक बाय बाय अवान बाय बाय तक अवान बाय बाय करो। अवान नाराज है इसलिए किसी को बाय बाय नहीं कर रहा। तो अवान की तरफ से भी सबको बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.